था टेस्ट था पक्का शॉर्ट एक दिन मैथ्स में हेसलिंगे डोला चलो मेरे पास भी मैथ्स थी यार 12th में मैथ्स 11th 12th में मैथ्स पढ़ी थी टॉपर था मैं मैथ्स का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था बट जैसे ये भी करने के बाद समझ नहीं आया कि काम का है बट हां कैलकुलेशन रेगुलेशन तो हो जाती है मैं इसलिए पूछ रहा हूं लॉजिक क्योंकि मैंने जब ली थी 11th 12th में तो ऐसा समझ में नहीं आया था कि ये काम आएगी का बट मैंने तो इसलिए ली थी क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा कॉमर्स से मैथ्स ले सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि है नहीं बताओ ना मैं बता रहा हूँ इतनी बढ़िया अभी चीज़ हमारे वाली क्लास में तो लोग मतलब प्रॉपर बोल रहे थे कि सबने कॉमर्स से मैथ्स ली उस स्कूल में हमारे ऐसा है वन जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो कॉमर्स से मैथ्स ले सकता तो है इसलिए तुमने ली थी उसके स्कूल से अच्छा गाइस स्टार्ट करें फिर यार लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों मैं अब जो स्टार्ट कराने वाला हूँ आपको देखो यार हम लोग क्लास इलेवेंथ स्टार्ट करेंगे तो so, जब हम क्लास इलेवेंथ की बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम क्लास इलेवेंथ में ये देख लेते हैं आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं और हम उसमें कैसे कैसे क्या हेल्प करेंगे मैं देखो आपको जब अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूँ अकाउंटेंसी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके पूरा हंड्रेड परसेंट तक कवर कराऊंगा बट मैं आपको बता दूं अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम होगा वो दो पार्ट में बटा हुआ होगा एक आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा जो सीबीएसई लेता है और इलेवेंथ में आपका स्कूल लेगा 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है ठीक है तो टोटल आपके 100 मार्क्स में से मार्कशीट में मार्क्स आएंगे बट यस ट्वेंटी मार्क्स का प्रैक्टिकल है और ये आपका एग्जाम होगा जो स्कूल लेगा इलेवेंथ में ट्वेल्थ में कौन लेगा अपना सी सी लेगा आ रहा सुनने सर हम पढ़ें कैसे क्या करें क्या ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जो इलेवंथ में करना चाहिए मैं जो आपको बता रहा हूँ नॉट ओनली फॉलो दैट फॉर अकाउंटेंसी फॉलो दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट फॉलो दैट फॉर एवरी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए अकाउंटेंसी के लिए फॉलो करो बट अकाउंट्स में एक चीज ध्यान रखना फोकस हमेशा इस पर रखना फोकस हमेशा इस पर रखना कि आप कुछ भी चीज कर रहे हो तो वो कर क्यों रहे हो मतलब कीप द फोकस ऑन वाई कीप द फोकस ऑन वाई एग्जाम्पल देता हूँ जैसे मैंने जब क्लास टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तुमने भी पढ़ी होगी पढ़ी थी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तो मेरे पास क्या था बेटा एक्स की वैल्यू आती थी दो अग्री कर रहे हो या डिसग्री कर रहे हो आती थी तो यार मेरे को ना नहीं बैठता था संपर्ट मतलब मैं टेंथ पास हो गया और मैं फुल में से फुल मार्क्स लेके आया हूँ बट मुझे ना कई बार ये नहीं समझ में आता था हम ये कर क्यों रहे बट आर एन डी करके फिर आइडेंटिफाई तो किया हम क्यों कर रहे हैं बट मैं जब आज बच्चों को देखता हूं बच्चा इसको सॉल्व तो कर लेता है बट कभी ये सोचता नहीं है कि ये दो वैल्यूज आखिरकार रिप्रेजेंट क्या कर रही होगी हम निकाल क्यों रहे सही है या गलत है सही थॉट प्रोसेस है तो मैं कह रहा हूं अब इसको देख के टेंशन में मत आओ मैं कह रहा हूं ये पास्ट है हम आज बात कर रहे हैं हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से तो हमेशा यह ध्यान रखना फोकस किस पे रखोगे वाई पे ठीक है दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आप जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो बच्चे के ये सवाल होता है सर आप कौन सी बुक से पढ़ाओगे तो आप चाहे टी एस गरेवाल रेफर करो या आपके स्कूल में डीके कोयल चल रही हो दोनों की बुक के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी की सारी अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे मैं यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए मैं आपको मेरी खुद की बुकलेट दूंगा उस बुकलेट में से अपन सवाल करेंगे मैं मेरी खुद की बुकलेट दूंगा उसमें से अपन लोग क्या करेंगे बेटा सवाल करेंगे और फिर मैं जब आपको होमवर्क दूंगा ट्राई करने को दूंगा मैं आपको टी एस गरेवाल भी दूंगा डीके कोयल भी दूंगा और साथ में मैं मेरी डीपीपी शीट्स भी दूंगा क्लैरिटी है आपको दो कॉपी बनानी है कॉपी मतलब रजिस्टर बनाने अच्छे खासे और वो दो रजिस्टर बनाने हैं आपको एक में आप करोगे बेटा क्लास वर्क सी डब्ल्यू और एक में आप करोगे मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क चलेगा आपको दिमाग में सेट है पक्का कोई टेंशन की बात है पक्का नहीं है चलिए तो मैंने कहा अगर ये बेस सेट हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले यहां पे जब मैंने ये सब्जेक्ट चालू किया जब आप कॉपी में कॉपी मारोगे इस टॉपिक का नाम जो मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग बेसिक्स लिखोगे जब तक मैं नहीं कहूँ कोई भी बुक जो आप खरीद रहे हो अकाउंट्स की उसको पढ़ना स्टार्ट मत करना पहले हम बेस सेट करेंगे फिर किताब को समझेंगे फॉर्मेलिटी के लिए रट्टा नहीं मारेंगे मैं जब पढ़ने बैठा था बेटा क्लास इलेवेंथ मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आया था वो ये था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरे पास इतना इंटेलिजेंट बढ़िया स्मार्ट बच्चा आया है इसका मतलब उसके दिमाग में भी सेम सवाल आना चाहिए ठीक है क्या है वो सवाल मेरे दिमाग में यार ये सवाल आया था वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी क्या बोला मैंने वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी हमने कहा भैया हमें अकाउंटेंसी क्यों पढ़नी है तो मैंने कहा यहां पे जो सवाल आया वो ये था वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए क्या आपके दिमाग में आया ये नहीं आया ऐसा क्यों <laughs> ओके छुट्टियां चल रही इसलिए ओके आ जाओ देखो मेरे दिमाग में ये सवाल क्यों आया मैं लॉजिक समझाता हूं देखो मेरे दिमाग में इसलिए आया ये सवाल क्योंकि मैं कह रहा था यार अकाउंटेंसी मुझे क्यों पढ़ने का है मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आया कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार हिसाब किताब तो सब मेंटेन करते ही है। अरे यस के नो अब आप समझना मैं क्यों कह रहा हूं कि सबको आता ही है ये। देखो इधर मैं जब यहां पे बात कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि यार जब हिसाब कि सब किताब सबको ऑलरेडी मेंटेन करना ही आता है तो हम अलग से क्यों सीखे मतलब मान लीजिए कि आपका बर्थडे था आ रहा सुनने मान लीजिए अनुष्का का बर्थडे था अनुष्का के बर्थडे पे अनुष्का की मम्मी ने इसको पैसे दिए और इसको बोला बोले पार्टी करनी है अनुष्का अनुष्का दोस्तों दोस्तों के के साथ साथ ये लो निकल पड़ी अपने और इसने कहा मैं पार्टी करके आऊंगी ठीक है इसकी मम्मी ने पांच हजार रुपए दिए जब ये वापस घर आई मम्मी ने कहा बता पांच हजार का क्या किया इसने मम्मी को हिसाब किताब देना स्टार्ट किया मम्मी मम्मी हम दोस्तों के साथ गए हमने तीन हजार रुपए का खाना खाया मम्मी मम्मी हमारे पास कितने पैसे रह गए दो हजार रुपए जैसे ही बाहर निकले हजार रुपए का हमने क्या किया कॉफी पी ली हमने आइसक्रीम खा ली मम्मी मम्मी हजार रुपए रह गए पांच सो रुपए का मैंने पेट्रोल डलाया और मम्मी ये लो पांच सो रुपए इसका बैलेंस रह गया अरे यिन अब ये क्योंकि मम्मी के पास खड़ी है मम्मी के सामने खड़ी है उसने मम्मी को ये बता दिया तो मैं जो ये सवाल पूछ रहा था कि वाई शुड आई स्टडी दिस सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा था कि टेंथ क्लास के बच्चे को ऑलरेडी पता है ये हिसाब किताब मेंटेन करना तो मैं एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्यों पढ़ू जो मुझे पूरी क्लास में पढ़ना होगा मुझे ट्वेल्थ में पढ़ना होगा अगर मैं सीए करता हूं तो सीए में फाउंडेशन में पढ़ना होगा इंटर में पढ़ना होगा और फाइनल में पढ़ना होगा अरे हाँ या ना तो अब मेरा सवाल थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अब कनेक्ट हो रहा है बेटा अब मैं जो सवाल पूछ रहा था वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी क्या आपके दिमाग में पहुंचा कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं दिमाग में सेट है है अब 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 मैंने कहा इसका इसका लॉजिक लॉजिक देखो अब आप अब अपन डिस्कस करते हैं क्या ऐसा क्यों है? मतलब इसमें पढ़ते क्यों हैं हम तो मैं जैसे आपको बोला पहला आपका वाई क्लियर होना चाहिए तो मैंने कहा अब हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना अब हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे ये जब मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ ये जब मैं यहाँ पे पूरा हिसाब किताब मेंटेन कर रहा हूँ वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी मैं ये कह रहा हूँ मान लो तुम इसकी एक फोटो खींचते हो और इसकी फोटो लेके किसी एक अपने फ्रेंड को भेजते हो तो आप मुझे बताओ क्या वो फ्रेंड ये हिसाब किताब देख के सब बता पाएगा कि ये पांच हजार क्या है तीन हजार क्या है ये हजार क्या है ये पांच सौ क्या है क्या वो बता पाएगा नहीं ना क्योंकि यहाँ पे तुम और मम्मी आमने सामने खड़े थे डिस्कशन चल रहा था और डिस्कशन में तुमने लिखा तो मम्मी और तुम तो समझ पाओगे बट कोई फ्रेंड जो कहीं और बैठा है उसको फोटो खेच के व्हाट्सएप से भेजोगे क्या वो समझ पाएगा नहीं आ रहा में अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाते जाते हैं हैं कंपनी के, के केस रियलिटी वाले केस में आते हैं अब मैंने अगर कहा तुम्हें अब अगर मैं तुम्हें कहूं यहां तक की कहानी तो अपने दिमाग में सेट है इसके आगे की कहानी अगर मैं आपको कहूं बेटा कि मान लीजिए एक रिलायंस करके कंपनी है आई होप यू नो रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है राइट अब रिलायंस में अलग अलग लोग हैं जिन्होंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वो एक दो चार पांच नहीं है वो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं राइट इनके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिलायंस में पैसा डाल रखा है इसका मतलब ये रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दे वॉन्ट टू नो जब भी ईयर एंड होगा जब भी क्या होगा बेटा ईयर एंड होगा दिस पीपल वॉन्ट्स टू नो के अल्टीमेटली यार हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है दिस पीपल वॉन्ट्स टू नो कि हम जो पैसा डाल रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो भी रहा है या फिर लॉस हो रहा है सही है अब आप मुझे बताओ जो रिलायंस का अकाउंटेंट है जिसको हिसाब किताब बनाने के लिए रखा है कल को वो कोई ऐसा मेथड यूज करने लग जाता है और क्या यूज करने लगता है एक ऐसा मेथड जो कि ऊपर अनुष्का ने यूज किया था क्या आपको लगता है इस इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टर को इस इन्वेस्टर को कुछ समझ में आएगा क्या आपको लगता है इसको कुछ संपत्ति बैठेगा कि एग्जैक्टली exactly यहां पे हो क्या रहा है नॉट यार कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा यहां पे कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है क्लैरिटी है दिमाग में सेट है अपने को तो मैं यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई आप ये जो अकाउंटिंग पढ़, पढ़ रहे हो ना ये जो अकाउंटेंसी नाम से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये क्यों पढ़ रहे हो ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं मैं यहां पे आपको ये बताने वाला हूं ये सब्जेक्ट आपके क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू नो और यू वॉन्ट टू लर्न द स्टैंडर्ड वे क्या बोला बेटा मैंने स्टैंडर्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन सही है गलत है सही तो है गलत है आ रहा यार अब आप देखो ना मैं क्या कह रहा था अब आप तीनों पॉइंट को कनेक्ट करोगे आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा मैं कह रहा था अनुष्का ने एक हिसाब किताब बनाया बट दैट वाज हर ओन होममेड वे घरेलू तरीका था इसका जो अनुष्का और उसकी मम्मी तो समझ सकती हैं बट कोई दूसरा आदमी जिसको इसने फोटो भेजी वो नहीं समझ पा रहा है तो आप सोचो ना प्रैक्टिकली अगर एक ऐसी कंपनी जिसमें लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वो जब अपना हिसाब किताब देगी ताकि बाकी लोग उसको देख के समझ पाए कि कंपनी अच्छा कर रही है कंपनी बुरा कर रही है तो वो तो तभी हो पाएगा ना जब ये जो लोग देखने वाले हैं और जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं ये एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करें क्या फॉलो करें एक स्टैंडर्ड जैसे मैं अगर आपसे पूछूं बताओ ये क्या लिखा मैंने क्या लिखा हुआ ये टू टी ओ टू कैसे पता पड़ा क्योंकि हम दोनों ने यही सीखा है हम दोनों ने यही सीखा है कि इसको ऐसे बनाते हैं तो टी होता है ऐसे बनाते हैं तो ये ओ होता है दोनों को साथ में लिखते हैं तो टू होता है अरे हाँ या ना हमने एक स्टैंडर्ड तरीका सीखा है वैसे अगर आप देखोगे कि ये जो रिलायंस का अकाउंटेंट है वो भी एक स्टैंडर्ड तरीके से सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें साथ ही हम लोग भी जो लोग हैं हम लोग मतलब हम लोग मतलब जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने भी सेम ही तरीका सीखा होगा तो जो भी ये रिकॉर्ड करेंगे पूरे साल भर का लेखा जोखा रिकॉर्डिंग करने का ट्रांजेक्शन को दोनों ने सीखा होगा तभी तो हो पाएगा तभी तो ये जो बनाएंगे इन्वेस्टर समझ पाएगा अरे यस के नो और कल कोई को और कंपनी कुछ बना के दे रही है तो रिलायंस वाले भी समझ पाएंगे अरे हाँ या ना क्या आपको ये लॉजिक क्लियर है मैं अगर आपसे पूछूंगाउंटेंसी क्या आप मुझे कन्वेंस कर पाओगे इसके लॉजिक पे कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए अब तुमसे कोई पूछेगा क्यों पढ़ोगे अकाउंटेंसी तो क्या बता पाओगे क्यों पढ़ोगे अकाउंटेंसी अरे हाँ या ना क्या दिमाग में सेटअप हो रहा है अपने पक्का दिमाग में जा रहा है अपने अच्छे से जा रहा है चलिए सो गाइज ये पहला पॉइंट था वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा बेटा पॉइंट नंबर टू मुझे आप बताओ ना आपको क्या लगता है ये जो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी है जो भी है ये वट डू यू थिंक ये मैनमेड है कि नेचुरल है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी यह मैनमेड है कि नेचुरल है मैनमेड है ये पहाड़ समुद्र इनकी तरह नेचुरल तो नहीं है इंसानों ने बनाई है आप मुझे बताओ ना इंसान क्यों बनाते हैं चीज जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं ये ए सी है यह एसी किसने बनाया इंसानों ने क्यों बनाया क्योंकि यार पहले तो नहीं थी जंगल में जब लोग रहते थे वहां तो गर्मी वर्मी इतनी थी नहीं तो जरूरत नहीं थी बाद में जरूरत पड़ी पंखा बनाया एसी बनाया तो इसका मतलब मैन मेड कोई भी चीज होती है कोई प्रॉब्लम होती है है उसका निकालते हैं हम लोग जस्टिफाइड तो अब अगर मैं मैं आपको आ रहा हमें क्या कहती है? Say, जैसे हार्दिक का लेते हैं, हार्दिक ने एक पिज्जा सेंटर खोला नाम रखा हमने एचपीसी क्या रखा हमने नाम HPC हार्दिक ने एक पिज्जा सेंटर खोला नाम रखा हमने HPC हार्दिक पिज्जा सेंटर अब हार्दिक ने क्या किया हार्दिक ने क्या किया यहाँ पे ओपन अप करना स्टार्ट किया मतलब आप देखो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया इसने और ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए इसने डे वन पे लिखा मेरे पास दस कस्टमर आए मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके हार्दिक निकला और हार्दिक ने कहा कि भाई मैं एच खोलूंगा हार्दिक पिज्जा सेंटर इसने डे वन पे धंधा मारा दस कस्टमर आए शाम को घर में पहुंचा ये मम्मी ने पूछा बेटा कितना धंधा हुआ बोले दस पिज्जा बेचे आज तो किसको बेचे नाम बता दिए मम्मी दस बज के दस मिनट पे ये आदमी आया था पांच सौ रुपए का माल खरीदा मम्मी साढ़े दस बजे आदमी आया था उसने सात सौ का खरीदा आप मुझे बताओ क्या एक दिन खत्म होने के बाद क्या हार्दिक को याद रहेगा याद रहेगा ही नहीं रहेगा मान लो इंटेलिजेंट है रिस्पेक्ट करो उसके दिमाग की याद रह रहा है उसे मैं कह रहा हूँ चलो डे टू पे भी आ जाओ यार डे टू पे हम गए डे टू पे 20 कस्टमर आए मानो ये शार्प ब्रेन है इसका इसको याद है डे वन में भी कितना बिका डे टू में कितना बिका किस किस ने लिया कितने कितने का लिया सब याद है अब धीरे धीरे इसका माल बढ़ने लग गया ये जो बेच रहा है डे थ्री में इतना शानदार पिज्जा बनाया तो सौ बिकने लग गए ऐसे करते करते जब थ्री सिक्सटी डे आया ये पर डे दो दो हजार पिज्जा बेच रहा है कितने पिज्जा बेच रहा है अब सोचो हम थ्री सिक्सटी फिफ्थ डे पे खड़े अब कोई पूछे बताओ पच्चीस अप्रैल को कितने पिज्जा बेचे किस किस को बेचे क्या याद रखना आसान है डिफिकल्ट है याद रखना इजी है कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है मेरे प्यारे लाड लो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे लोग बिजनेस करने लगे और बिजनेस में ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे तो हमें जो प्रॉब्लम आने लगी वो प्रॉब्लम ये थी मेरे प्यारे बच्चों हाउ टू रिमेंबर क्या प्रॉब्लम आने लगी हाउ टू रिमेंबर हमें प्रॉब्लम आने लगी कि भैया हम ये चीजें याद कैसे रखें हम ये सारी चीजें याद कैसे रखें तो हमने कहा ठीक है यार प्रॉब्लम आने लगी तो इंसानों ने इसका सॉल्यूशन निकाला उन्होंने कहा एक काम करो इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो क्या स्टार्ट करो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे इसका मतलब क्या हो गया अब आप आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना कभी भी आपने मतलब एक रजिस्टर टाइप बनाया आपने डे वन पे लिखा इस इस इसको इतना इतना माल बेचा डे टू इस इसको बेचा इतना, इतना इतना माल बेचा क्या आपको याद रखने में दिक्कत होगी तो मैंने कहा इंसानों को पहली प्रॉब्लम जो आई जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगा वो क्या थी हाउ टू रिमेंबर क्या होने लगी बेटा हाउ टू रिमेंबर और जब अपने को ये प्रॉब्लम आने लगी तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला मेरे प्यारे लाड हमने सोल्यूशन क्या निकाला इसका हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला मेरे प्यारे बच्चों हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हमने लिखना स्टार्ट कर दिया क्या दिमाग में सेट है ये अब मैंने कहा दूसरी प्रॉब्लम की, की बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा तो दूसरी प्रॉब्लम की दूसरी प्रॉब्लम क्या है वो देखो सेकेंड प्रॉब्लम मेरे पास जो आई वो ये थी सेकेंड प्रॉब्लम जो मेरे पास आई मेरे प्यारे बच्चों वो ये थी हाउ टू रिमेंबर तो हमने क्रैक कर लिया ये तो हमने क्रैक कर लिया कि हमें याद कैसे रहेगा बट मैंने कहा अब एक प्रॉब्लम आने लगी आप मानो हार्दिक पिज्जा सेंटर बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ी एंटिटी हो गई फ्रेंचाइजियां वगैरह चलने लग गई बड़ा आदमी बन गया हार्दिक अब हार्दिक ने एक मैनेजर रखा बड़ा आदमी होगा तो एक मैनेजर रखेगा ना अब बड़े आदमी ने एक मैनेजर रखा मैनेजर रखने के बाद एट द ईयर एंड हार्दिक ने इससे पूछा मैनेजर साहब क्या है प्रॉफिट का हलचल हार्दिक बता बेटा एक दोस्त का नाम बताते रहे आराध्य तो हार्दिक ने कहा कि भाई आराध्य करके हार्दिक के मैनेजर ने कहा बोले प्रॉफिट प्रॉफिट मत पूछो मेरे से बोले तुम्हारा एक दोस्त है आराध्य तो बोले हाँ यार दोस्त है आराध्य क्या करना है अरे बोले वो रोज आता है सुबह से शाम बैठा रहता है खाता अलग है और पैसे और नहीं देता साथ में बाकी कस्टमर लाइन पे खड़े रहते हैं तो उनकी जगह और रोक के बैठा रहता है तो बोले साहब आप पूछ रहे प्रॉफिट कैसे आधा प्रॉफिट तो इस आदमी की वजह से हमारा खराब हो रहा है तो बोले यार ये तो ना थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है क्या बोला ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात है तो बोले यार ये अगर थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है तो उस पर्टिकुलर केस में तो यहां पे क्या है थोड़ी गड़बड़ वाली बात है तो बोले यार गड़बड़ वाली बात है तो इसमें क्या करें कैसे करें तो बोले यार क्या करें कैसे करें इसमें बोले यार प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ये एक कस्टमर है जो हमारे पास आता है फ्री में खाता है पैसे वैसे नहीं देता तो मैनेजर साहब ने कहा हार्दिक को भैया तुम बात करो इससे मैनेजर 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 साहब 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 ने 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 कहा तो इसके कहने पे इससे बात करी क्या सॉरी हार्दिक ने इससे बात करी, इससे करी। तो हार्दिक तो ने बात करी तो आराध्य तो मतलब इसका तो ईगो ही हट हो गया रोने लग गया बोले तू तो मेरा दोस्त था इसलिए मैं तेरे यहां आता था बट इसका ईगो हट हुआ ईगो हट होने के बाद इसने क्या बोला इसने एक ही चीज बोली बिल्कुल सिंपल सी के यार अभी के अभी बता आराध्य ने बोला अभी के अभी बता पैसा कितना हुआ क्या बोला अभी के अभी बता पैसा कितना हुआ मैं तेरे को हाथों हाथ देता हूं अब मुझे बताओ क्या हार्दिक बता सकता है हाथों हाथ कितना पैसा देना है बता सकता है क्या नहीं क्यों आप देखो ना एक दिन में 2000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 365 सिक्सटी डेज में कितने हो गए होंगे कम से कम पांच छह लाख सात लाख तो हो गए होंगे ट्रांजेक्शन

यहां पे प्रॉब्लम है हाउ टू गेट टाइमली इंफॉर्मेशन क्या है हाउ टू गेट टाइमली इंफॉर्मेशन कि हमें समय रहते जानकारी कैसे मिलेगी हाउ टू गेट टाइमली इंफॉर्मेशन क्या आपके दिमाग में सेट है क्या क्या आपके दिमाग में सेट है पक्का तो मैंने कहा यार आप मुझे बताओ ना टाइमली इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन क्या करना पड़ेगा बेटा क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब आप ऐसा मानो हमें अरेंजमेंट करना करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्या मेरे लाड अरेंजमेंट मैं एग्जांपल देता हूँ क्या आपने कभी देखा है अपने आस पड़ोस में कोई दुकान होती है मोस्टली पूरी कॉलोनी वाले उससे उधार में जाके खरीदते हैं राइट right? फिर भी जब भी कोई आदमी जाता है और एकदम से बताता है मुझे पैसा देना बताओ वो दुकानदार

तो एक पेज पे आराध्य का एक अकाउंट बना के रखता तो डे वाइज जो ट्रांजेक्शन तो लिख ही रहा है बट जिस आदमी आदमी के नाम से हो रहे हैं उस का भी एक खाता बनाते हुए चलता तो जैसे आराध्य ने पूछा कितना हुआ वो पेज खोलता सारे आराध्य ने जितने आज तक पिज्जा खाए वो आ जाते ज्यादा से ज्यादा कितने थ्री सिक्सटी फाइव पिज्जा होते फटाफट टोटल कर देता हाथों हाथ हो तो जाता काम तो कहने का मतलब है क्या आपको प्रॉब्लम वन और प्रॉब्लम टू समझ में आ रही है

जिसको हम कह रहे हैं बुक कीपिंग जिसको हम क्या कह रहे हैं बुक कीपिंग क्या है मेरे प्यारे लाडलो ये है है क्या है ये डू यू मीन में दोनों चीजें आती है जब ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करने लग जाती है और जो भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रही है रिकॉर्ड करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन करने लग जाती है तो हम कहते हैं यार वो ऑर्गेनाइजेशन बुककीपिंग कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है बुककीपिंग कर रही है एम आई मेकिंग सेंस क्या कर रही है वो बुककीपिंग कर रही है आ जाओ आप पहले आप एक बार यहां तक कॉपी मारोगे जैसे मैंने कहा ऊपर हेडिंग डालोगे अकाउंटिंग बेसिक्स उसके बाद में ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप कॉपी मारोगे फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे चलेगा ठीक है जो भी नोट्स बता रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से बनाना गाइस आ रहा समझ मतलब आप देखो हमने अभी पढ़ा तो हमने अभी सिर्फ दो पॉइंट पे फोकस किया है मतलब एक टर्म पढ़ा है हमने बुक की पे हमने ये क्वेश्चन कवर किया है कि हमें सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है राइट एक क्लैरिटी दी है सो दैट यू गेट द पर्पस अटैच हो पाओ स्क्रॉल कर दूं गाइस शल बी स्टार्ट गाइस बढ़े आगे हो गया ऊपर वाला तो सारा स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसा पढ़ोगे ना दिमाग में सेट होगा हो ही होगा चलो अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं यार हमने अभी तक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था अब सेकंड पॉइंट उठाते हैं मतलब सेकंड टर्म उठाते हैं ये सेकंड पॉइंट का ही पार्ट चल रहा है सेकंड पॉइंट में तीन टर्म पढ़ेंगे तो आज सेकंड और खत्म कर लेते हैं ठीक है जब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूँ क्या ही ये टर्म वो समझना अच्छे से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ एक टर्म जिसका नाम है अकाउंटिंग जिसका क्या नाम है बच्चों अकाउंटिंग लेट्स ट्राई देखो जैसे मैंने पहले कहा कि है, तो हम जब बुक लोगों को याद नहीं रहता था और लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी तो पीपल स्टार्टेड मेकिंग और फॉलोइंग ताकि वो रिकॉर्ड कर सके और क्लासिफाई कर सके दिमाग में सेट हुआ अब मैंने कहा जैसे जैसे बिजनेस बड़े होने लगे तो सिर्फ बुक कीपिंग से काम होना बंद हो गया या आज के डेट में भी जो बड़े बिजनेस होते हैं वहां बुक कीपिंग सिस्टम काम का नहीं है मतलब वो तो चाहिए चाहिए बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप इससे बेटर कनेक्ट कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं मान लीजिए कि जैसे हमारे पास यहां पे ये प्रॉब्लम नंबर थ्री बोल देता हूं मैं प्रॉब्लम नंबर थ्री मान लो जैसे अपन ने रिलायंस की बात की आर आई एल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके हिसाब से इसके अंदर लगभग कितनी कंपनीज होगी? एक हजार प्लस छोटी मोटी थोड़ी होगी यार इस पूरे के पूरा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनके इन्वेस्टमेंट हर कंपनी में सौ दो सौ पांच सौ करोड़ से ज्यादा ही होंगे कुछ कंपनियों हो में तो हो सकता है दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार करोड़ भी हो तो यार इन हजार कंपनियों में अब आप सोचो ना मोटा भाई मोटा भाई जानते हो ना कौन मुकेश अंबानी अभी जो मोटा भाई है आपको लगता है मोटा भाई के लिए आसान है हजार कंपनियों को देखना आप समझो ना आपके पास पांच सब्जेक्ट होते हैं और पांच सब्जेक्ट के लिए साल भर होता है एक सब्जेक्ट की जो लेंथ होती है जो उसका आप पेजेस मानोगे सात सौ आठ सौ पेज एवरेज सात सौ आठ सौ इंटू पांच तीन हजार पांच सौ पेज पढ़ने में पूरा साल भर लग जाता है तो आप सोचो ना यहाँ तो एक किताब की पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग फिर उन ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन क्या आपको लगता है मोटा भाई के पास पूरे साल भर में तीन सौ पैंसठ दिन ही तो है अरे यस के नो मैं कहता हूं अगर तीन सौ पैंसठ दिन को आप एक हजार से भी डिवाइड करते हो आपके पास पर डे कितनी कंपनीज निकल के आती हैं मैं एवरेज मान रहा हूं अगर आप देखोगे पर डे दे, तीन कंपनी का डेटा अगर मुकेश भाई मोटा भाई चेक करेंगे तो कंप्लीट होगा बट आप सोचो एक दिन में तीन कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड किया हुआ पूरा क्लासिफाई किया हुआ इसका मतलब यह मॉडल तो यहाँ पे फेल हो जाता है तो जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होने लगी ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि मोटा भाई सारी कंपनीज का चेक कर सकते तो मोटा भाई करते क्या है मोटा भाई क्या करते हैं इन एक हजार कंपनी का एक एक मैनेजर रखते हैं क्या रखते हैं बेटा एक एक मैनेजर मोटा भाई इन सारी की सारी कंपनियों में से हर एक एक कंपनी का मैनेजर रखते हैं कौन रखते हैं बेटा मैनेजर और इस मैनेजर को जिम्मेदारी देते हैं इस मैनेजर को जिम्मेदारी देते हैं बेटा तू जिम्मेदार है और जैसे ही ईयर एंड होता है ईयर एंड पे इस मैनेजर से समरी मांग लेते हैं क्या मांग लेते हैं बेटा समरी मांग लेते हैं मोटा भाई कहते हैं बताओ भैया तुम्हारे यहां पे कितना टोटल रेवेन्यू आया रेवेन्यू अभी इतना ही समझो कि पैसा जो आया उसको रेवेन्यू कह रहे हैं अपन यहां पे मोटा भाई कहते हैं बताओ तुम्हारे रेवेन्यू ये आया तो तुम एक्सपेंस कितना कर रहे हो जो एक्सपेंस किया वो और माइनस कर दो और जो बचा मेरे प्यारे लाड लो जो बचा वो पेरे प्यारे लाड लो उसको हम प्रॉफिट या लॉस कह सकते हैं सही बात है या गलत बात है जो आया पैसा वो रेवेन्यू जो आपने दिया वो एक्सपेंस मान लेते हैं अभी के लिए तो मोटा भाई ये कैलकुलेशन मंगाते हैं अब मान लो जब ये सारी कैलकुलेशन आती है मोटा भाई के पास तो इस पूरी समरी में से मोटा भाई ऐसे निकालते हैं साढ़े नौ सौ मतलब मैनेजर ऐसे हैं जिनका काम वैसा ही चल रहा है जैसे मोटा भाई ने सोचा था और पचास लोग ऐसे हैं जिनका काम एक्सपेक्टेशन से खराब चल रहा है अरे मोटा भाई इन मैनेजर की कंपनियों में जिस जिस कंपनी का मैनेजर है ऐसा थोड़ी आंख बंद करके पैसा डाल देते नहीं मोटा भाई जब पैसा देते हैं तब पूछते हैं रिटर्न कितना तो मान लीजिए अगर सौ करोड़ कहीं डाला तो वो मोटा भाई को उसने प्रॉमिस किया था दस करोड़ का प्रॉफिट होगा तो मोटा भाई ऐसे हजार कंपनियों का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और कितना प्रॉफिट आना चाहिए था पहले से लिख के रखते हैं एक एक्सपेक्टेशन फिर जब रियलिटी साल भर के बाद आती है तो मान लो 950 लोग जो हैं वो 950 लोग तो बढ़िया कर रहे हैं जैसा मोटा भाई ने सोचा था बट ये 50 लोग गलत कर रहे हैं तो अब मोटा भाई को 950 लोगों से मिलने की जरूरत ही नहीं है काम सही चल रहा है ना बट कहां गड़बड़ हो रही है इन पचास में तो मोटा भाई अब इनको बुला के क्या करते हैं तीन सौ पैंसठ दिन है एक को बुला के, या सबको पचास को एक साथ बिठा के भी कह सकते हैं भैया है क्या चल रहा है मजाक लगा रखा है मैंने पैसा इन्वेस्ट किया ना तुम्हारी कंपनी में बताओ क्या रिटर्न आ रहा है तो मोटा भाई क्या करते हैं इन पचास लोगों से एक दिन में दो दिन में तीन दिन में मिलके फ्री करते हैं अब आप सोचो ना तभी तो मोटा भाई 365 में से तीन दिन ये काम करके 360, 362 डे में नया धंधा करते हैं प्री वेडिंग की पार्टियां करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास समय तो है अरे हाँ या ना तो अब आप अगेन अब खो मत जाना मोटा भाई के जीवन में आप समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा था मैं ये कह रहा था कि अकाउंटिंग में आप देखो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा मतलब जो बुक कीपिंग में होता था वो बुक कीपिंग तो होगी ही होगी बट जैसे जैसे बिजनेस बड़े होने लगे रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन से काम नहीं होगा यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए जैसे ये पहला स्टेप पहली का है, क्या है पहली प्रॉब्लम प्रॉब्लम का का है 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 समराइजेशन समराइजेशन क्या आप हर साल जो भी धंधा हो रहा है, उसकी समरी बना के लाओ तो समरी में आपको एक एक चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि यार बिजनेस में अच्छा हो रहा है या बिजनेस में बुरा हो रहा है दिमाग में सेट है क्या दिमाग में चला गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पक्का अब आप देखो मैंने कहा पहला पॉइंट कवर हुआ क्या प्रॉब्लम नंबर थ्री क्लियर है उसका सोल्यूशन क्लियर है मोटा भाई ने क्या किया समरी मांगी समरी से उन्होंने जज कर लिया एक एक धंधे को पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर पे अब ये देखना आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है प्रॉब्लम नंबर फोर प्रॉब्लम नंबर फोर क्या कहती है प्रॉब्लम नंबर फोर क्या होती है क्या कहती है ये भी ध्यान से सुनना प्रॉब्लम नंबर फोर क्या कहती है ये अपने को बहुत ध्यान से सुनना है प्रॉब्लम नंबर फोर हमें क्या कहती है मान लो हमारे पास कौन था हार्दिक पिज्जा सेंटर था अब हार्दिक ने तीन जगह अपनी फ्रेंचाइजी डाली एक तो अपन डाल देते हैं मान लो एक कंपनी का स्टोर डाला फ्रेंचाइज बोलना गलत हो जाएगा कंपनी का स्टोर लेट्स से अजमेर डाला बता भाई हार्दिक दो और जगह बता कोटा डाला भैया इसने चलो और बताओ जयपुर डाला सही है दिक्कत अब मैंने कहा देखो इसको अजमेर में कोटा में और जयपुर में जब हम तीन जगह की बात करेंगे तो इसको यहां पे जो प्रॉफिट हुआ अजमेर में हुआ वन करोड़ इसको कोटा में भी हुआ वन करोड़ का प्रॉफिट जयपुर में हुआ सिर्फ एक लाख का प्रॉफिट क्या आपको देख के कुछ गड़बड़ नहीं लग रही मान लो साल भर आपने अभी अपन क्या पढ़ गया है हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया

तो कहने का मतलब है हमने प्रॉफिट निकाला ना ये सब पास्ट की कहानी है पिछले साल ऐसा हुआ था एज एन एंटरप्रेन्योर हार्दिक 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 क्या सोचेगा सोचेगा एनालिटिकल थॉट लेके आएगा ऐसा कैसे हुआ कि यार मेरे धंधे में यहां प्रॉफिट में दो करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा था यहां तो एक लाख ही हुआ अजमेर और कोटा से भी कम अरे नो तो अब ये सोचने लगेगा कि हो गया वो तो ठीक है बट भविष्य में भी गड़बड़ ना हो जाए फ्यूचर में तो एटलीस्ट आई वांट टू अर्न वन करोड़ टू करोड़ फ्रॉम दिस ब्रांच तो अब ये क्या बोलेगा अब ये यहाँ पे रीजन ढूंढने गया तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीजन लगा ब्रांड एम्बेसडर ठीक है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली यहाँ पे विराट कोहली और यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड जिसको कोई जानता ही नहीं तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे एनालिसिस करने पे पता पड़ जाएगा ना यहां का जो बंदा था वो ब्रांड एम्बेडर ही गलत था इसको देख के कोई स्टोर पे आता ही नहीं था बट यहां पे ब्रांड किसको रख रखा था विराट कोहली को तो इसका मतलब ये हो गया अगर तुम्हें यहाँ की सेल्स बढ़ानी है तो तुम्हें यहां भी किसको लेके आना पड़ेगा विराट कोहली को मैं यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि चौथी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस क्या बोला मैंने क्या सोल्यूशन है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस भैया आपने जो भी अकाउंटिंग करी रिकॉर्ड किया क्लासिफाई किया समरी बनाई वो तो ठीक है वो तो पिछले साल का है नाउ यू हैव टू डू डेटा यू हैपनिंग जयपुर इज नॉट डूइंग गुड बट दीस टू सेंटर्स आर डूइंग गुड अरे और नो आप देखो ना आप स्टारबक्स को जानते हो स्टारबक्स को जानते हो स्टारबक्स ने ऐसा सोचा कि यार हमें ना सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है We want people जो हमारे आए वो हमें करे कि मैं Starbucks हूं, Starbucks में हूं। तो Starbucks ने क्या किया? किया। के के पे नाम नाम देना चालू लोग जाते थे नाम के साथ फोटो खिंचाते थे टैग करते थे स्टार बक्स तो ऑटोमेटिकली जो सोशल मीडिया पे कॉस्ट इन, इन्वेस्ट करनी पड़ती वो क्या हो गई कम हो गई सब कुछ सही चल रहा था फिर क्या हुआ एकदम से लोग टैग करना बंद कर दिए वापस स्टारबक्स वाले बैठे और उन्होंने फिर एनालाइज किया यार ऐसा कैसे हो रहा है कि लोगों ने अब हमें टैग करना बंद कर दिया है तो देखा उन्होंने कि यार अब तो सभी कॉफी शॉप वाले नाम लिख के देने लग गए दे। ये कोई यूनिक फीचर नहीं रह गया तो स्टारबक्स वालों ने फिर क्या किया नाम गलत लिख के देना चालू किया अरे हाँ या ना तो देखो ना यार बिजनेस में जो हो गया पास्ट में वो हिस्टोरिकल डेटा है बट इसको एनालाइज करके फ्यूचर में यू क्या आपके दिमाग में जा रहा है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस अब मैं आया वापस मैं क्या बोला अकाउंटिंग में अभी तक मैंने क्या लिखा क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समराइजेशन उसके बाद में आया इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस क्या है बेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस राइट क्या है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड फाइनली लास्ट वन जो अपन आज वाले सेशन में कवर नहीं होगा अगले वाले में होगा वो है कम्युनिकेशन टू द यूजर क्या है बेटा कम्युनिकेशन

why you want to do the bookkeeping because you wanted to remember the transaction and you wanted to get timely information therefore you started recording and classifying which is nothing but the bookkeeping system fir bookkeeping jaise se dhande badhne lage bookkeeping se kaam nahi hota to ek aur term bana jiska naam kya tha accounting Accounting में आप recording और bookkeeping कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो करोगे इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं दोनों में से ब्रॉडर टर्म कौन सा है अकाउंटिंग या बुक कीपिंग अकाँटिंग. क्योंकि अकाउंटिंग में बुक तो आती है ना रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो है ही बट उसमें क्या है अलग से तीन चीजें और रहे हैं समराइजेशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस एंड फाइनली फाइनली कम्युनिकेशन टू यूजर क्लैरिटी है पक्का प्लीज कॉपी मारो छापो इसको यस गाइस डन कौन से वाला पार्ट लिख रहे हो अभी इंटरप्रिटेशन चलिए नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली मैं कह रहा हूँ देखो ये जो अभी एनालिटिकल पढ़ा ना वो रियल लाइफ में भी ध्यान रखना आप मुझे बताओ लेट से यू आर द ओनर ऑफ अ कंपनी ट्राई टू अंडरस्टैंड लेट से यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड यू आर हैव यू आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन टू एम्प्लॉय और लेट से यू यूट टू हायर बोथ द ओके वन यू इम्प्लॉयजनॉय टू पे टेन लाख रुपीज

बी एम्प्लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पता है यह आपको यह बता सकता है कि धंधे में प्रॉफिट कैसे बढ़ाने का है यह आपको जो भी ये रिकॉर्ड क्लासिफाई समरी बनाया इसका एनालिसिस दे सकता है आप मुझे बताओ हुम यू विल पे मोर ए और बी हुम यू गोना पे मोर ए और बी ऑब्वियसली यू विल पे बी आर अब अगेन वाई यूर पेइंग बी मोर टू बी बिकॉज वो आपका प्रॉफिट बढ़वा सकता है वो आपको एनालाइज करके दे सकता है ये जो बंदा काम करके दे रहा है दिस इज क्लैरिकल वर्क यार दिस इज वॉट बेटा क्लैरिकल सो इसीलिए जब हम पढ़ रहे हैं और हर एक चीज का वाय प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग आपके दिमाग को मैं एनालिटिकली डेवलप करना चाह रहा हूँ रादर देन क्लैरिकली एक क्वेश्चन आया उसका सोल्यूशन कैसे आना है अगर आपको ये पता है इट मीन्स आर डूइंग अ क्लैरिकल वर्क बट आप जब किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल रहे हो एंड यू नो वाई यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स इट मींस यूर ब्रेन इज वर्किंग एनालिटिकली एम आई मेकिंग सेंस आज गाइज हमने क्या पढ़ा पहला पॉइंट पढ़ा वाई शुड वी स्टडी अकाउंटेंसी दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा दो टर्म्स पढ़े जिसमें हमने बुक कीपिंग कवर किया और क्या कवर किया और क्या कवर किया अकाउंटिंग कल हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे ओके तो सी टुमारो टिल देन टेक केयर बाय बाय